तो फिर कौन आएगा इस मुल्क पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए रियासत की प्राइमरी रिस्पांसिबिलिटी सिक्योरिटी ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी वो तो वो दे नहीं सकती मेरा स्टॉक मेरी फैक्ट्री में पड़ा हुआ किसी दिन एक अरब रुपए का और अगले दिन मैं सुबह उठता हूं तो वही चीज पिछहत्तर करोड़ रुपए रह जाती बैड पॉलिसीज वन प्रॉब्लम एंड वेरिएशन इन पॉलिसी आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम पैंतालीस ऐसे डिपार्टमेंट है दस दिन के स्पेन के अंदर जो कि हमें विजिट करते हैं वो इंडस्ट्री जो कि दस परसेंट बारह परसेंट तेरह परसेंट पंद्रह परसेंट बीस परसेंट पच्चीस परसेंट मुनाफा मनाती है अब वो बंद हो गई है उसका कर्जा ही 27% परसेंट के ऊपर मिल रहा है जितनी एड आती जाती है वो डेट सर्विसिंग आपकी बढ़ती जाती है जब हम अमेरिका के करीब होते हैं तो हमें फॉरेन एड मिलनी शुरू हो जाती है एड से आप ये ना समझें कि इससे कोई चेंज आएगी अच्छा एक तो मैं क्लरिफाई कर दू कि आपने कहा कि कभी इन्वेस्टमेंट फोकस नहीं रहा है लुक एट इकोनॉमिक सर्वे एंड यू विल फाइंड कि 2006-2007 में <coughs> हमारा इन्वेस्टमेंट जी डी रेशियो वॉज ट्वेंटी टू पॉइंट फाइव परसेंट ट्वेंटी टू पॉइंट फाइव परसेंट एंड आवर ग्रोथ वॉज अबाउट सेवन एंड हाफ परसेंट एंड नाउ इट हैज़ कम डाउन टू थर्टीन टू फोर्टीन परसेंट रेंज तो ये डिक्लाइन है तो अगर आपकी पॉलिसीज राइट हो तो यू कैन ऑलवेज अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट बोथ फ़ारन एंड डोमेस्टिक देखें फॉरेन इन्वेस्टमेंट उस वक्त आएगा कि जब वो देखेगा कि आपके मुल्क में आपके अपने इन्वेस्टर भी इन्वेस्टिंग इन्वेस्ट invest कर रहे हैं पैसे अगर आपका अपना इन्वेस्टर जो है लोकल वो इन्वेस्ट ना करे तो फॉरेन फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अल्लाह मेंिया की मार है कि वो आके यहाँ इन्वेस्टमेंट करे खुद सोचे ज़रा तो यू हैव टू क्रिएट ए माहौल ठीक है ना तो मैंने नाइन्टीज़ में टेन कमांडमेंट्स लिखा मैंने टेन चेक पॉइंट्स और टेन कमांडमेंट्स कि वो क्या दस फैक्टर हैं जो दुनिया ने अपने मुल्क में आ, उसको इम्प्लीमेंट किया या उस माहौल को बनाया हम क्यों नहीं बना सके तो मैं एक एक को विदाउट गोइंग इनटू डिटेल क्योंकि टाइम कंस्टेंट भी है <coughs> सबसे पहला जो है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जिस मुल्क में जैसे आजकल हमारा माहौल है डू यू थिंक दैट एनी लोकल तो छोड़ क्या फॉरेनर आएगा यहां पर इन्वेस्टमेंट करने के लिए यू नीड सम डिग्री नॉट सम डिग्री ऑफ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टर्स नो इन्वेस्टर्स विल कम वेन यू हैव ए पोलिटिकल टर्मोइल वाइप आउट ओवर नाइट इवन द मोस्ट लिकोरेटिव इनवेस्टमेंट एंड एंडेंजर द लाइफ ऑफ द पर्सन एल कोई जान देने के लिए इस मुल्क पर तो नहीं आएगा बाहर के तो इसलिए सम डिग्री ऑफ पोलिटिकल स्टेबिलिटी इज एब्सोल्यूटली असेंशियल मैं समिग्री की बात कर रहा हूं आई नो द इन्वायरमेंट इन ए डेवलपिंग कंट्री लाइक पाकिस्तान कि हम अगर आइडियल सिंगापुर वाला सिचुएशन हम देखना चाहें तो ऐसा नहीं होगा हमें लेकिन सम डिग्री ऑफ पोलिटिकल स्टेबिलिटी इज़ एबली एसेंशियल सेकेंड है लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन अनसेटिस्फैक्ट्री लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कीप दी परस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स चाहे वो फॉरनर हो चाहे वो डोमेस्टिक हो एट बे उसको दूर रखेगा वो घबराएगा कि जरा लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जिसको जान को खतरा लगा हुआ हो तो वो जान देने के लिए तो कोई नहीं आएगा इस मुल्क में बिकॉज देर आर अदर ऑल्टरनेटिव प्लेसेज यू कैन गो एंड इन्वेस्ट योर मनी वाई बिन कम टू पाकिस्तान जहाँ पर आपकी की अपनी सिक्योरिटी जो है उसकी कोई खतरे में हो तो लॉ एंड ऑर्डर डिग्री ऑफ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इज एप्सूट रिवाइव सेकेंड थर्ड है इकोनॉमिक ग्रोथ इकोनॉमिक स्ट्रेंथ जो है किसी भी कंट्री का दैट प्लेज ए इम्पॉर्टेंट रोल इन अट्रैक्टिंग फॉरन इन्वेस्टमेंट लोग क्यों इंडिया की तरफ देखते हैं इसलिए कि अगर इंडियन इकोनॉमी इज ग्रोइंग बाय सेवन परसेंट सिक्स एंड हाफ टू सेवन परसेंट पर एन एम एवरी फॉरेन इन्वेस्टर विद लुक टुवर्ड्स इंडिया बिकॉज इंडिया इज अ वास्ट मार्केट कम से कम फाइव हंड्रेड मिलियन के जो है वो मिडिल इनकम लोग हैं मिडिल जिसके पास बाइंग पावर है वैसे आबादी उनकी 1.4 बिलियन है लेकिन 5 टू 5 एंड हाफ 500 टू 550 मिलियन मिडिल इनकम बाइंग पावर दे आर देयर सो इंडिया अट्रैक्ट्स इन्वेस्टर्स अगर इंडिया की इकोनॉमी एक, एक दो परसेंट पे ग्रो करने शुरू हो गए भागने शुरू कर देंगे फॉरनर ठीक है एक चीज और मैं बता दो ये पर्सनल एक्सपीरियंस है कोई आपको नहीं बताएगा आप टुडे और ये मैं अपने बच्चों को भी पढ़ाता हूँ। इफ योर इकॉनॉमी इज ग्रोइंग बाय सेवन टू एट परसेंट पर एन यू विल बी कंसिडर्ड एज अपॉर्चुन कंट्री अपॉर्चुनिटी टू मेक मनी एंड द कंट्रीज फॉरेन पॉलिसी विज एवज योर कंट्री विल चेंज आपके साथ खून माफ हो जाएंगे बट इफ योर इकॉनमी इज ग्रोइंग बाई टू परसेंट थ्री परसेंट पर एन यू आर रिकॉर्डेड एज अ प्रॉब्लम कंट्री कि यार यारे बचो ये या आएगा पैसा मांगने के लिए ये अपनी आंखों से मैंने देखा है कि वाशिंगटन में जब हम जाया करते थे मीटिंग में तो उस वक्त वही हम दो तीन परसेंट वाले लोग थे तो हम जिसको कॉल करते थे मीटिंग के लिए ओ मिस्टर सो एंड सो इज ट्रेवलिंग आउटसाइड वाशिंगटन तो हम पूछते थे कब आएगा भाई उसको पता था कि ये वर्ल्ड बैंक आईएमएफ की मीटिंग में आया हुआ यह मैक्सिमम हफ्ता दिन ठहरेगा उसके बाद चला जाएगा वो ऐसा टाइम बताते थे कि टाइम हमने वापिस आ जाना था लेकिन जब वेन आवर इकॉनॉमी स्टार्टेड ग्रोइंग बाई से चेंज हम कहते थे हमारे पास टाइम नहीं आया तो कहते सर कैन वी हैव ए ब्रेकफास्ट मीटिंग इन योर होटल यह होता था ठीक है तो यह इकोनॉमिक स्ट्रेंथ जो है वेन आई से इकोनॉमिक स्ट्रेंथ इसमें हाई इंटरेस्ट रेट इन्वायरमेंट फ्रीकुेंट डिप्रिसिएशन ऑफ करेंसी एज वेल एज लो फॉरन एक्सचेंज रिजर्व क्रिएट अनप्रडिक्टेबल इन्वायरमेंट कोई फॉरन इन्वेस्टर बाईस परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट पर नहीं आएगा इस पाकिस्तान में कोई फॉरन इन्वेस्टर इस तरीके से नहीं आएगा कि कल एक्सचेंज रेट क्या जाएगा आप सुबह टी वी पर देख रहे हो किधर जा रहा है दिल बैठा हुआ है लोकल भी इन्वेस्टर है वो भी उसका दिल बैठा हुआ एक्सचेंज किधर जा रहा है भाई मार्केट में और उसका दिल बैठा हुआ है ऐसे माहौल में कोई इन्वेस्टमेंट करेगा यहां पर आप सौ डॉलर लाते हैं यहां पर रुपए में कन्वर्ट करते हैं उसको इन्वेस्ट इन्वेस्ट करते हैं यहां पर जब आप कमाते हैं और उसको लेके जाना हो जब आप लेकर आए थे सौ सौ रुपया एक डॉलर के बराबर था जब आप कमा के बाहर भेज रहे हैं दो सौ डॉलर हो गया एक 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 दो सौ रुपया एक डॉलर के बराबर तो आपको तो लॉस होगा उस बिजनेस में तो वाई सम बडी वम इन ए कंट्री वेयर करेंसी इज डिप्रीशियटिंग एवरी डे ठीक है तीसरा है रिजर्व जब आपके पास रिजर्व है लोगों को पता है कि ये मेरा इन्वेस्टमेंट सेफ है कोई एक्सचेंज कंट्रोल नहीं लगा देगा जब आपके तीन परसेंट तीन बिलियन साढ़े तीन बिलियन डॉलर पर रिजर्व आ जाए देर इज ऑलवेज ए थ्रेड कि पाकिस्तान गवर्नमेंट ने कोई एक्सचेंज कंट्रोल लगा देना है तो मैं तो इन्वेस्टमेंट लेकर आया था यहां पर कमा के अब लेके जा नहीं सकता हूं मैं तो ऐसे माहौल में कोई नहीं आएगा तो यू हैव टू बी ए कंट्यूसिव इकोनॉमिक इन्वायरमेंट जिसमें इंटरेस्ट रेट लो हो एक्सचेंज रेट रिलेटिवली स्टेबल रहे एंड यू हैव हैवे सफिशियंट अमाउंट ऑफ फॉरन एक्सचेंज रिजर्व जब मैं कहता हूं सफिशेंट अमाउंट फाइव टू सिक्स मंथ का आपके इंपोर्ट कवर के बराबर आपका होना चाहिए आपका फॉरन एक्सचेंज रिजर्व गवर्नमेंट गवर्नमेंड इकोनॉमिक पॉलिसीज कंसिस्टेंट इकोनॉमिक पॉलिसीज इज एप से इनकन्सिस्टेंट पॉलिसी आज कल है कल को कुछ पॉलिसी हो जाए कोई फॉरन इन्वेस्टर नहीं आएगा यहां पर उसने एक आज दिया हुआ है कि इस मेरे इस रॉ मटेरियल के इंपोर्ट पे ड्यूटी जो है वो 20 परसेंट है एग्जांपल दे रहा हूँ मैं जब उसका जहाँ पहुँचता है लैंड करता है उसका रॉ मटेरियल पता चला कि एफबीआर ने ड्यूटी चेंज कर दी है उस पर चालीस परसेंट ड्यूटी लगा दिया अब वो केस में फंस जाएगा वो वो उसको उसको डैमेज लगता रहेगा एयरपोर्ट सी पोर्ट पर तो ऐसे माहौल में जहाँ पर कंसिस्टेंसी ना हो पॉलिसी में हमारे यहाँ तो एक गवर्नमेंट गई दूसरी गवर्नमेंट आई उसने कहा सब गलत हो रहा था चेंज नए सिरे से सो वी आर ऑल वी ऑलवेज स्टार्ट एट द ग्राउंड जीरो हम ग्राउंड जीरो से बाहर ही नहीं निकलते चाहे चढ़ भी जाए दूसरी गवर्नमेंट आई फिर यहाँ से शुरू करेगी क्योंकि ये सब खराब था ये हमारा कल्चर तो गवर्नमेंट के पॉलिसीज जो हैं वो इसमें कंसिस्टेंसी आनी चाहिए और फिर ये है कि एक हमेशा जहन में रखें मैं उन बच्चों के लिए भी कह रहा हूं कि वेन एवर ए कंट्री गोज टू दे डोंट मेक पॉलिसीज हम फाइनेंस को गालियां दे रहे होते हैं गवर्नर सेंट्रल बैंक को गालियां दे रहे होते हैं मैं वो बिछा बना नहीं रहा है पॉलिसी वो इंप्लीमेंटर है मैं ग्यारह साल इंप्लीमेंटर रहा हूं चार साल हमने अपनी पॉलिसी बनाई थी 2004 से 2008 तक जो जिसमें ये नंबर दिया बाइस एंड हाफ ट्वेंटी टू टू एंड हाफ परसेंट इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी रेशियो एंड सेवन परसेंट ग्रोथ उसी पीरियड का था तो जब आप पॉलिसी नहीं बनाएंगे आपको पॉलिसी दिया जाता है on, on किसी के पास कोई पोलिटिकल पार्टी आती है उसकी टीम अच्छी होती है थोड़ा तो वो थोड़ा अच्छा इंप्लीमेंट कर लेती है कोई कम इंप्लीमेंट करता है कोई से कम खराब करता है एंड सो ऑल वी डोंट मेक पॉलिसी गवर्नमेंट ब्यूरोक्रेसी, रोड़े हटकाने का काम नदीम ये बड़ा फेवरेट टॉपिक है सपोर्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफिशियल इन देयर एफर्ट टू ऑपरेट इफिशेंटली इन द कंट्री क्यों उनको यकीन है कि गवर्नमेंट की जो ब्यूरोक्रेसी है ये हमारे सपोर्ट में है ये अगर नहीं है उसको यकीन तो क्यों आएगा यहां पर आप खुद सोचे तो आपकी जो गवर्नमेंट की ब्यूरोक्रेसी है दिस कुड बी द बिगेस्ट बर्डन और हर्डल इन एनी इन्वेस्टमेंट इन्वायरमेंट तो यह आप देखें अपनी ब्यूरोसी को कि क्या हाँ ये ग्रोथ प्रोमोटिंग ब्यूरोसी है इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली ब्यूरोसी है अगर हमारा बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट इतना अच्छा काम कर रहा होता प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में उसका सेक्रेटरीट भी है तो फिर एस आई एफ सी बनाने की क्या जरूरत थी इसका मतलब यह है कि वह इधारा काम ठीक नहीं कर रहा था जब भी तो किसी एक और दूसरे को बनाने की जरूरत पड़ गई तो अगर इस किस्म के बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट हो या बोर्ड ऑफ डिस इन्वेस्टमेंट हो अगर बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट हो जाए तो फिर कौन आएगा इस वर्ग पर इन्वेस्टमेंट करने के लिए लोकल बिजनेस एनवायरमेंट एक फॉरेनर आता है यहां पर अपना फैक्ट्री लगाता है उसको गुड क्वालिटी ऑफ लोकल लॉयर नहीं मिलेगा उसको एक अच्छा चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं मिलता यहाँ पर उसको एक अच्छा आर्किटेक्ट नहीं मिलेगा कि मैंने बिल्डिंग बनानी है उसको कोई अच्छा कॉन्ट्रैक्टर नहीं मिलेगा बिल्डिंग बनाने के लिए अभी, अभी आ, आसिम साहब बता रहे थे कि, कि किसी को उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट में दे दिया अपना घर बनाने के लिए उससे बिगाड़ दिया क्योंकि है नहीं हमारे पास तो आपके पास सपोर्टिंग जो है इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी होना चाहिए ठीक है इसी तरीके से इन मुल्क में इंफ्रास्ट्रक्चर हो द अवेलेबिलिटी रिलायबिलिटी एंड कॉस्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज जिसमें पावर हो गैस हो वाटर हो टेली हो दीज आर दी इंपॉर्टेंट इन्ग्रीडियंट टू अट्रैक्ट फॉर एन इन्वेस्टमेंट चवालीस पैंतालीस या पचास रुपया फी यूनिट पे फी यूनिट पे जहां बिजली की कीमत हो आप समझते हैं कि आएगा कोई फॉरन इन्वेस्टर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने के लिए जबकि उसके जिससे वो कंपीट कर रहा है वहां पर दस रुपये हो उनके करेंसी के मुताबिक पंद्रह रुपया है और हमारे यहाँ पचास रुपया है वो कैसे कंपीट करेगा वो इंटरनेशनल मार्केट में तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इसकी अवेलेबलिटी और इसकी कॉस्ट जो है ये रिजनेबल होना चाहिए लेबर फोर्स टेक्निकली ट्रेंड एजुकेटेड एंड डिसिप्लिन लेबर फोर्स एलॉन्ग विद कंट्रीज लेबर लॉज एंड लेबर इनस्पेक्टर आर क्रिटिकल फैक्टर इन अट्रैक्टिंग फॉरन इन्वेस्टर्स लेबर इंस्पेक्टर जो है वो एक जाए किसी के पास फैक्ट्री से पूछे आके कि हर महीने में वो क्या करता है वो फैक्ट्री के गेट पे उन्होंने लिफाफे रखे हुए थे बॉयलर इंस्पेक्टर के लिए अलहदा लेबर इंस्पेक्टर के लिए अलहदा सोशल सिक्योरिटी वाले के लिए अलहदा जो आता है उसको लिफाफा पकड़ा देते हैं यह है हमारा काम और हम कहते हैं कि फॉरनर आए इस मुल्क पर इन्वेस्टमेंट भी करें क्वालिटी ऑफ लाइफ अभी एक गोरा ना यहाँ पर इसी बुल्तान की सड़क पर गुजर रहा हो शॉर्ट्स पहने हुए आप देखें कितने पीछे पीछे लोग चलने शुरू हो जाएंगे आभी? वो हरासमेंट फील करेगा या नहीं करेगा वो आएगा फिर इस मुल्क में इन्वेस्टमेंट करने के लिए तो क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है द कल्चरल सोशल टेबूस जो है अलॉन्ग विद क्वालिटी ऑफ लाइफ आर क्रिटिकल टू अट्रैक्ट फॉरन इन्वेस्टर्स वो क्या आएगा सिर्फ काम करने के लिए आएगा यहां पर फैक्ट्री या घर फैक्ट्री या घर उसके बाद वो कहीं तो निकलेगा मार्केट में उसके पीछे पीछे लोग चल रहे होते हैं एक है वेलकमिंग एटीट्यूड मैं हमेशा एग्जाम्पल देता हूँ एक बार तो मैं सिंगापुर से आ रहा था तो इमिग्रेशन के काउंटर पर खड़ा था तो मेरे सामने एक सिंगापुर से एक गोरा आया वो मुझसे आगे था जब उसने अपना पासपोर्ट दिया इमिग्रेशन के ऑफिसर को तो इमिग्रेशन ऑफिसर क्या कह रहा है उससे कि ओके व्हाई डिड यू कम टू पाकिस्तान उसने कहा कि आई हैव कम हेयर टूर एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटीज ऑफ डूइंग बिजनेस इन योर कंट्री उसने कहा कहता व्हाट इज रॉन्ग इन योर ओन कंट्री वो कहता है लो सर देर इज नथिंग रॉन्ग इन माई कंट्री बट आई जस्ट वॉन्ट टू एक्सप्लोर द अपॉर्चुनिटी अब ये बताया पहला झटका तो उसको हमने दिया उसके बाद एक और इंसिडेंट बता रहा हूं कि हमने फॉरेन इन्वेस्टर कॉन्फ्रेंस बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट ने इस्लामाबाद में अरेंज किया मैं लाहौर से वापस आ रहा था तो वो जो सी या वीआईपी लाउंज है मैं वहां से निकल रहा था तो मैंने निकला तो देखा एक आर्मर्ड पर्सनल कैरियर खड़ा हुआ है वहां पर एक फौजी उसमें बैठा हुआ है तो मैंने कहा कि यार ये फॉरेन इन्वेस्टर्स को बुला रहे हो और सामने वो निकलेगा तो उसका आर्मर्ड पर्सनल कैरियर टैंक नुमा चीज खड़ा हुआ है तो उसके जहन में क्या जाएगा कि भाई क्या प्रॉब्लम है लॉ एंड ऑर्डर का ये सामने टैंक खड़ा हुआ है या पर्सनल कैरियर खड़ा हुआ है उसमें दो फौजी जवान खड़े हुए हैं तो मैं गया वहां पर एक फौजी जवान था मैंने कहा यार क्यों खड़े हुए कहते वो कॉन्फ्रेंस हो रही है उसकी सिक्योरिटी के लिए मैंने कहा कॉन्फ्रेंस कहाँ पर हो रही है उसने कहा जी इस्लामाबाद में तो मैंने कहा आप इस्लामाबाद यहां राहुल पंडी में इस एयरपोर्ट के सामने क्या कर रहे हो खड़े होके ये इन्वेस्टर आएगा तो क्या देखेगा टैंक वो कहेगा पता नहीं कि, क्या हो रहा है इस मुल्क में कोई फौजी बगावत तो नहीं हो गई कि टैंक खड़े हुए यहाँ पर ये है वेलकमिंग एटीट्यूड हाउ डू यू अट्रैक्ट तो देखें ये वो सारी चीज़ें हैं अगर हम इसको बेहतर करने में जितना कामयाब होंगे उतना ही हम न सिर्फ फॉरेन इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करेंगे अपने डोमेस्टिक इन्वेस्टर को भी कम करेंगे बोर्ड ये गवर्नमेंट ने एस आई एफ सी जो अभी लॉन्च किया है मैं समझता हूँ कि दिस इज़ द ग्रेटेस्ट प्रोजेक्ट इसको हम सब ने सक्सेसफुल बनाना है इसके अंदर बहुत पोटेंशियल है और ये डिमांड है, ये फॉरेनर्स हैं, उन्होंने कंप्लेन किया हमारे आर्मी चीफ को कि ये हम आपके यहां इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं आप लोग हमें आने नहीं देते इतने रुकावटें खड़े करते हैं आप तो उन्होंने कहा कि हम सबको बाईपास करते हैं एस आई एफ सी बनाया गया है ट्रूली वन विंडो ऑपरेशन अब ये देखना है कि कितना सक्सेसफुल ये होगा लेकिन इट हैज द ग्रेटेस्ट पोटेंशियल टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट थैंक यू वेरी मच थैंक यू सर अच्छा नेक्स्ट मैं कादर साहब साहब के पास जाना चाहूंगा सर अभी साहब ने कहा कि इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज जो थी जब हमने अडॉप्ट <coughs> की तो हमारी इन्वेस्टमेंट रेशोज अच्छी थी लेकिन जब मैं डॉक्यूमेंट देखता हूँ इन्वेस्टमेंट पर्टिकुलर टू इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज तो हमारे पास तीन ही पॉलिसीज़ आती हैं 76 की है 2013 की है और 23 की भी है और जिसमें भी कोई कंक्रीट किस्म के मेयर्स मेंशन नहीं हैं एक तो आप मुझे ज़रा ये बताइएगा क्या पाकिस्तान में कोई इन्वेस्टमेंट पॉलिसी है अगर है भी तो क्या उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी हो रही है या नहीं एंड सेकेंडली सर अभी डॉक्टर इशवाक का कहना है कि एस कैन बी अ गेम चेंजर तो आपका उसके बारे में क्या व्यू है अच्छा जी यार थैंक यू देखे बात ये कुछ बुनियादी बातें हैं जो आ, की हैं शाक साहब ने उससे मुतफिक हूँ और उसमें मैं क्योंकि उससे मुतफिक हूँ उन चीजों पर उस, उस पर नहीं जाऊँगा मैं ये कह रहा हूं कि आपने जो माहौल पैदा किया हुआ है और क्वालिटी ऑफ विचार जो है ना उसकी तरह थोड़ी सी वजाहत कर मैं मिसाल दे देता हूँ अभी मैं जो ओवरसीज चैंबर के सेक्रेटरी उनसे पूछ रहा था कि जी एफ टी आई आपके बारे में इन आ, इन माहौल में क्या ख्याल है उनने ये कहा कि जी, शायद आप भी समझदार हैं। मेरा आधा दिन इसमें गुजर जाता है कि लोगों को जो यहाँ पे इस वक्त हैं, उनको यही कहते कहते कि यार बैठे रहे हालात बेहतर हो जाएंगे वो जाना चाह रहे होते तो मेरा आधा वक्त इसमें गुजर रहा होता है तो लोगों को रोकूं जाने ना दू एंड टू की रीजन कंटिन्यू टू बी एफ बी आर और वो जो रेगुलेटरी इन्वामेंट है जिनकी मिसालें मिसालेंशफाक साहब निधि में है उनमें जाना नहीं चाहता इन्वेस्टमेंट इज रियली सेंटिमेंट इशू सेंटिमेंट माहौल से आता है, है और वो जो हम लोकल को भी देखते हैं वो क्या देख रहा होता है वो ये देख रहा होता है कि हुकूमत ने किन सेक्टर्स में क्या मरात दी हुई है और हमने उसके हवाले से क्या कर रहा है सो प्रडिक्टिटी इज वन ऑफ दूस अगर इफ द गवर्नमेंट विल टेक अ शॉर्ट टर्म व्यू कल असद दयाती असद साहब कह रहे थे और याद कर रहे थे कि हम तो जी आग बुझाने के चक्कर में होती अगर आप आग बुझाने के लिए है और आप मुझसे चाह रहे हैं कि आई शु टेक टर्म ये है ना सिग्नल तो गवर्नमेंट से आ रहा है गवर्नमेंट से सिग्नल ये ये आ रहा होता है कि वी कैन ओनली टेक टेक अ अ शॉर्ट टर्म टर्म व्यू व्यू आप यू शुड लॉन्ग हो नहीं सकता ठीक है ना तो सो पॉलिसी प्रिडिक्टेबिलिटी तो बड़ी दूर की बात है हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट एक्सपेक्ट कर रही है कि जी इन्वेस्टर शुड टेक अ लॉन्ग टर्म व्यू एंड द गवर्नमेंट हैज द राइट टू ओनली बी

रियासत इज लिटरली ब्रोकन हम कह रहे हैं कि जी रियासत की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिक्योरिटी ऑफ़ लाइफ प्रॉपर्टी वो तो वो दे नहीं सकती वो कहती है आप अपनी दीवारें ऊंची कर लें अपनी सिक्योरिटी का इंतजाम आप खुद कर लें अगर ये वाली इन्वायरमेंट है उसमें इन्वेस्टमेंट करना मुश्किल है सेंटिमेंट तब्दील होता है तो कुछ होता है आपके सामने है ना जी दुबई क्या है रेगिस्तान बेच लिया उन लोगों ने क्या है सेंटीमेंट है सो इट्स इन्वेस्ट इन्वेस्टमेंट इज रियली सेंटीमेंट इशू और वो उस कैसे आप तब्दील करें उसकी काफी बुनियादी बातें इस वक्त साहब ने कर दी अब आप, आप आ जाए कि जी एस आई सी आएगा तो क्या करेंगे आप मरात देंगे ना इन दरात तो, तो बाकी जो माहौल है उसको तब्दील कैसे करेंगे तो वही यार इस किस्म की होंगी कि जी इतने साल की टैक्स की छूट दे दे खुली छुट्टी होनी चाहिए मेरे कहने का मतलब ये है और अश्फाक साहब ने भी क्योंकि ये बात कर दी है अगर आपने रेंट सी देने और वो माहौल नहीं दे पाना सिवाय इसके कि जी क्योंकि आप माहौल ही दे पाते और जैसे उनने बात बिल्कुल ठीक की कि जी डोमेस्टिक इन्वेस्टर नहीं इन्वेस्ट करता क्योंकि आपने बाकी जो माहौल क्रिएट किया हुआ है उसमें वो दूसरी मारात देखता है दूसरे सेक्टर देखता है जहां पे कोई ना पूछ चाहे ना कोई टैक्स है सो अगर आप वो माहौल देंगे तो एस आई एफ सी क्या करेगा एस आई एफ सी भी यही कर रहा है कि जी बाकी चीजें छोड़े आप मेरे पास आ जाए तो बाकी आप अगर आपने जो स्टेट का है स्टेट की जो परफॉर्मेंस है उसको इम्प्रूव नहीं करना तो ये चल नहीं पाएगा आप मनात देते रहेंगे छूट देते रहेंगे आप रो रहे हैं ना आईपीपीज के हवाले से क्योंकि आपने उसी किस्म का माहौल पैदा करके आपने आईपीपीज़ को दे दिया तो आप ऐसा एफ़सी से भी वही करवाना चाह रहे हैं जो आई के थ्रू आपने किया है तो बाद में आप रोते रहेंगे कि जी हमने उनको ये छूट दे दी आज हम ये रोते रहेंगे तो मेरी गुजारिश ये माहौल तब्दील करने के लिए आसान काम नहीं मैं हरगिज नहीं कह रहा हूँ क्योंकि जी एंटायर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इज रियली ब्रोकन डाउन कैन यू क्रिएट दैट काइंड ऑफ स्टेबिलिटी जो वो बात की थी स्टेबिलिटी की Can you change the regulatory framework? Can you change the tax system? Can you have a system of government which is more welcoming? Can this ease this, uh, ease this uh, system of doing business? So then you will be back to going to the system of governance eventually that will have to deliver. नई हुकूमत आ जाएगी we'll policy, मुझे तो अभी ये भी नहीं पताटिकल पार्टीज हैं उनके जहन में क्या है पॉलिसी की, की बात की हमने मराद दी हुई है। हाँ जी जो भी आ जाए इन्वेस्टमेंट कर ले बाकी माहौल हम नहीं दे पाए सो आपके सवाल का जवाब लोग काफी हद तक

बिल्कुल ठीक हो गया थैंक यू सर अच्छा जो दोनों पैनलिस्ट हैं उनसे एक चीज़ तो बड़ी क्लियर सामने नज़र आ रही है कि वी नीड टू फोकस ऑन इन्वायरमेंट क्लाइमेट जो इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट है उस पर फोकस करने की जरूरत है uh, इसी तनाजु में अभी दोनों हमारे पैनलिस्ट ने पॉइंट हाईलाइट uh, किया कि हमारे पास ब्यूरोटिक हर्डल्स हैं रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की बात की शाहिद कादा साहब ने पाइड ने स्लज ऑडिट के नाम से एक इनिशिएटिव uh, लिया जिसमें हम बेसिकली यही कर रहे हैं कि हम कास्ट ऑफ रेगुलेशंस को मैर कर रहे हैं कि एक पाकिस्तानी बिजनेस जब काम करता है तो वो कितनी कास्ट ऑफ़ रेगुलेशन जो है वो फेस करता है इसी तरह हमने फिर इस्लामाबाद में ये भी चेक करने की कोशिश की कि बिज़नेसिस को कितनी रेगुलेटरी बॉडीज़ जो हैं वो कंट्रोल कर रही हैं तो अभी तक जो हमने मैपिंग की है उसमें एक रेगुलेटरी एजेंसीज हैं जो कोई भी आप काम स्टार्ट करते हैं तो वो आपको चेक एंड बैलेंस करते हैं नो कमिंग टूवर्ड्स द बिजनेस कम्यूनिटी शेख साहब आप हमें बताइएगा कि डू यू थिंक रेगुलेटरी जो फ्रेमवर्क है पाकिस्तान का ये सीरियस इशू है क्या हमारे पास इन्वेस्टमेंट की क्लाइमेट मौजूद नहीं है क्यों हमारा डोमेस्टिक इन्वेस्टर जो है वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा बिस्मिल्लाह रहमान रहीम Uh, जी बिल्कुल अभी जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा मेरे ख़्याल है समंदर को कूजे में बंद किए हैं उन्होंने मोर और लेस हर चीज़ को जो है वो ही स्किम्ड थ्रू एवरी मैं थोड़ी सी बिजनेस लैंग्वेज यूज़ करूँगा मैं थोड़ी सी बिजनेस विकैबलरी यूज़ करूँगा मैं थोड़ी सी इंडस्ट्रियल जो है वो इश्यूज़ यूज़ करूँगा आई थिंक मेरे यहाँ बैठे होने का यही बेनिफिट होगा डॉक्टर साहब ने बिल्कुल सही कहा है That economic flourishment is directly related to your political flourishment. If you're not flourishing, or flourishing, bhi bahut, uh, khala, uh, uh, hai. if you're not politically stable, somehow if you're not politically stable, you're never going to be economically stable. ये बिल्कुल इसी तरीके के साथ बात है कि अगर आप इसको अपने मुल्क की मैशियत के हिसाब से देखें या कारोबार के हिसाब से देखें तो हम वो मुल्क बन जाते हैं जो 2011-12 के अंदर 14.8 मिलियन कॉटन बेल्स प्रोड्यूस करते हैं और उसके बाद 2020 के अंदर हम 4.6 मिलियन कॉटन बेल्स प्रोड्यूस करते हैं और फिर उसके बाद हम सेवन मिलियन बेल प्रोड्यूस करते हैं और आज दस मिलियन बेल्स की कोशिश कर रहे हैं कि हम वहाँ तक पहुँच जाए ये वो पोलिटिकल अनस्टेबिलिटी के समरात हैं जब यह नहीं बताया जाता यह पॉलिसी पॉलिटिकल पॉलिसी तब्दील होती है कि हमारी जो प्रेफरेबल क्रॉप है वो कॉटन है या हमारी प्रेफरेबल क्रॉप जो है वो शुगर के ये सारे इम्पैक्ट्स जो डॉक्टर साहब ने एकेडमिक लैंग्वेज में और 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 बड़े सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज में बताया मैं आपको उसका इंडस्ट्रियल इंपैक्ट बता रहा हूँ इन वजूहात की वजह से इसी चीज को इसी चेन को आप आगे ले दें अगर एक इंडस्ट्रियलिस्ट को जिसका टेक्सटाइल में काम है अगर उसको यही नहीं पता है कि मेरा मुल्क चार इशारे छः मिलियन कॉटन बेल प्रोड्यूस कर रहा है या चौदह इशारिया आठ मिलियन कॉटन बेल्स प्रोड्यूस कर रहा है तो उसने क्यों मशीनों में इन्वेस्टमेंट कर दी है उसको यही नहीं पता है कि मुझे मेरा जो रॉ मटेरियल है वो लोकली प्रोड्यूस्ड है या मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगा तो वो क्यों product, क्यों आ, मशीनों के अंदर इन्वेस्टमेंट करेगा और इंडस्ट्री को और इंडस्ट्री लगाएगा और इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो जनरेट करेगा सो एक्चुअली प्रॉब्लम पोलिटिकल ही है जो कि रिफ्लेक्ट होती है इकोनॉमिकल में सेकेंडली डॉलर रेट अगेन समथिंग हम पिछले दिनों हम ऑब्जर्व किया हमारा डॉलर जो है वो उसने बहुत स्वेर डिप लिया। और उससे पहले हम ऑब्जर्व किया वॉजन बिहाइंडी नो प्रॉब्लम इज लोगों के लिए वो डॉलर रेट है लेकिन मैं जो कारोबारी बंदा हूं मेरा स्टॉक मेरी फैक्ट्री में पड़ा हुआ किसी दिन एक अरब रुपए का और अगले दिन मैं सुबह उठता हूं तो वही चीज पिछहत्तर करोड़ रुपए रह जाती है मैं किस तरीके के साथ अगली फैक्ट्री के बारे में सोचूंगा मुझे यही नहीं पता है कि मेरे जो माहौल है जो कारोबार है उसके अंदर किसी किस्म की सर्टेनिटी है या किसी किस्म की सर्टेनिटी नहीं है तो एक्चुअली बुरा होना एक प्रॉब्लम है लेकिन मुस्तकिल तब्दील होना दूसरी प्रॉब्लम है मुझे डॉलर रेट बता दें आज तीन सौ रुपए मैं अपने हिसाब किताब बना के अपना कारोबार कर लूंगा लेकिन वो तीन सौ रुपए ही रहना चाहिए मुझे वो 300 से 250 भी कर देंगे तो मेरे लिए प्रॉब्लम है मुझे 300 से सवा तीन भी कर देंगे तो प्रॉब्लम है सो द द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज दैट बैड पॉलिसीज पॉलिसीज आर आर वन प्रॉब्लम एंड वेरिएशन इन मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम जो कि हम एज ए इंडस्ट्रियलिस्ट फेस कर रहे हैं अब गवर्नमेंट सेक्टर्स की तरफ आ जाए अगेन पिछले दिनों में आपको अगेन आपको इंडस्ट्रियल मिसाल दे रहा हूं हमें एक नोटिफिकेशन गवर्नमेंट की तरफ से वसूल होता है कि जी आप आ, 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 आपकी इंडस्ट्री में जो भी फॉरनर्स आएंगे जो कि आपके माल की जो है वो इंस्पेक्शन करेंगे जी उनकी सिक्योरिटी बहुत जरूरी है फेयर इनफ जी पूरी दुनिया में सिक्योरिटी गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है उनकी सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है विच गवर्नमेंट अनफॉर्चुनेटली इज नॉट एबल टू प्रोवाइड देर यू एज एन इंडस्ट्रियलिस्ट आर इंस्ट्रक्टेड टू हैव वन बुलेट प्रूफ व्हीकल एवरी टाइम अवेलेबल इन यूर फैक्ट्री अब आप मुझे बताए बुलेट प्रूफ व्हीकल अवेल रखना एक इंडस्ट्री के लिए वो छोटी हो चाहे बड़ी हो इज दॉसिबल वुड इट बी फिजिबल फॉर मी टू गिवल टू एनी इंटरनेशनल इट वुड नॉट बी फिजिबल सो एक्चुअली एक पॉलिसी बनाना और उस पॉलिसी का ग्राउंड रियलिटी के साथ जो ताल्लुक है वो हमारा बहुत ज्यादा मिसिंग है हम लोग माजरत के साथ मार्गला की पहाड़ियों को देखते हुए पॉलिसीज़ बनाते हैं और हमें नहीं पता होता उसका इंपैक्ट जो है वो ग्राउंड लेवल के ऊपर क्या है और क्या नहीं है मैं अपनी फैक्ट्री में सुबह से लेकर शाम तक बैठता हूं ना आप बिलीव करें डॉक्टर साहब ने बिल्कुल ठीक है अब तो हमने लिफाफे गेट पे रखना शुरू कर दिए पैंतालीस ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जो कि हमने मार्क किए हुए हैं दस दिन के स्पेन के अंदर जो कि हमें विजिट करते हैं पैंतालीस ऐसे डिपार्टमेंट है और उनकी सबसे खतरनाक चीज उनका नाखून है वो यू निकाल के बैठे हुए ऑनस्ट टू तो गॉड ये मे साउंड फनी बट इट इज अ सीरियस इश्यू हम लोग मुझे मैं, मैं अगर, अगर अपनी एनर्जी 70 परसेंट या 50 परसेंट स्पेंड कर रहा हूं फ्लडिश करना है तो 40 परसेंट मैं ये भी कर रहा हूँ बंदा आया हुआ इसको कितने पैसे देने हैं कितने नहीं देने तो ये वो ग्राउंड रियलिटी की प्रॉब्लम है पूरी दुनिया में चले जाए एक बिल्डिंग होती है ऊपर फेडरल इधारा बैठा है नीचे प्रोविंशियल बैठा है नीचे लोकल बैठा हुआ है कोई एनओ सी लेना है आपने वन विंडो ऑपरेशन है सारी चीजें आपको मिल जाती है मुल्तान के अंदर पाकिस्तान के अंदर तीन साल के अंदर तीन साल से पेंडिंग एप्लीकेशन है अगर आपने इन्वायरमेंट का लाइसेंस लेना है तो अगर आपने इन्वायरमेंट का लाइसेंस नहीं लिया दैट प्रैक्टिक प्रैक्टिकली मीन्स दैट यू कैन नॉट रन द बॉयलर इन योर फैक्ट्री एंड व्हेन यू कैन नॉट रन अ बॉयलर इन योर फैक्ट्री इन अदर वर्ल्ड यू कैन नॉट रन योर फैक्ट्री सो इंडस्ट्रियलिस्ट इज बीन वेटिंग फॉर थ्री और यस जस्ट यू गेट होल्ड ऑफ दैट लाइसेंस तो आप मुझे बताएं कि कौन फॉरन इन्वेस्टर आएगा और तीन साल तक इंतजार करेगा बिल्कुल। प्रॉब्लम ये है ग्राउंड रियलिटी की अभी बात हुई यहाँ पे कि इधारों की मैंने भी बात की है वे। हमारे मसले इन सबसे बहुत ज्यादा हैं। हम कॉटन प्रोड्यूसिंग कंट्री में कॉटन की बात कर लेता हूं टाइम बहुत कम है Puri you know, there's a range of things which I can talk about. But let's talk cotton for the time being. Hamlog 1992, Pakistan produced 12.2 uh, million cotton bales. India, on the other hand, produced about 12 million cotton bales. So we were standing at the same point. Today, as we speak, India has gone up to uh, 40 million cotton bales.

मानसेंटो जैसी इंटरनेशनल कंपनी के लिए या मैं मानसेंटो का जस्ट फॉर एग्जाम्पल नाम ले रहा हूँ किसी भी इंटरनेशनल कंपनी के को वो सूटेबल इन्वॉलमेंट इन दी वो पिटते रह गए हैं कि हमारा दोबारा प्रोडक्ट यूज हो जाता है हमारा प्रॉब्लम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है हमें सिक्योर करो हम दे देंगे तो ये तो डुप्लीकेट होना शुरू हो जाएगा किसी तरीके के साथ हम सिक्योर करो हमें 2017 तक हमने पार्लियामेंट के अंदर बैठ के असूल ही नहीं हैं ये वो मुल्क है जो कि जरूरी मुल्क है उसने कॉटन की लॉ मेकिंग नहीं की है दो हजार सोलह सत्रह तक और क्या हुआ आप चार इशारिये छ मिलियन के ऊपर कॉटन के ऊपर आ गए सो एक्चुअली ये इदारे तो बहुत दूर की बात है लॉ ही नहीं है मतलब आम फहम में हम सब ये कहते हैं ना कि लॉ है हमारा इंप्लीमेंटेशन नहीं है मैं तो ये रो रहा हूं कि लॉ ही नहीं है इंप्लीमेंटेशन तो फिर हमने और बीस साल चाहिए उसको इंप्लीमेंट करने के लिए एक्चुअली so ये वो प्रैक्टिकल इश्यूज हैं जो के आ, जो के हम लोग बीइंग एन इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वो फेस कर रहे हैं आखिरी चीज बिल्कुल मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा बैंक रेट्स इमेजिन करें आप आई मीन इंश्योरेंस डाल के सारे खर्चे डाल के ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी सेवन परसेंट उस कारोबार का नाम तो मुझे बताएं जो कि छब्बीस सत्ताईस परसेंट आपको मुनाफा देता है छब्बीस ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी सेवन मतलब वही ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट के जी इन्फ्लेशन कंट्रोल करनी है जी इसलिए बैंक रेट ओ भाई आपके मुल्क में अलहदुल्लह आज शायद को थोड़ी बहुत गाड़ियाँ आपने लीज आउट करवाई भी हुई अदरवाइज गाड़ियाँ भी आज हमारी अपनी है घर भी आज हमारे अपने हम जो 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 हमने चीजें ओन की हुई है वो हमारी सारी अपनी है ये फार्मूला उन मुल्कों के लिए है जिनकी डाइनिंग टेबल तक किस्तों के ऊपर है जहाँ एक परसेंट इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो उनकी आउटफ्लो के ऊपर हमें तो नहीं पड़ता हमें क्या पड़ता है हमें ये पड़ता है कि वो इंडस्ट्री जो कि 10 परसेंट बारह परसेंट तेरह परसेंट पंद्रह परसेंट बीस परसेंट पच्चीस परसेंट मुनाफा द इंडस्ट्री टू दी एक्सटेंड कि वो सब बेरोजगार हो गए और वो सब सड़कों पर खड़े होकर आपकी और मेरी गाड़ियां रोक रहे हैं आपकी मेरी मोटरसाइकिलें रोक रहे हैं और आपके मेरे साथ वारदाते कर रहे सो

पॉइंट ऑफ व्यू ये भी तो है कि हमें रूल बनाने की जरूरत क्या है जब हमें फॉरन एड मिल रही है वाई वुड वी फोकस ऑन इन्वेस्टमेंट और ये जो स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स है वो करें हम फॉरन एड लेते रहेंगे काम हमारा चलता रहेगा जब जरूरत पड़ेगी बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस होगा फॉरन एड आ जाती है सो so, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आप फॉरन एड को किस तनाजुर में देखते हैं इज़ इट कम्प्लीमेंट टू इन्वेस्टमेंट और इट इज़ कम्पीटिंग टू इन्वेस्टमेंट और सेकेंडली कि हमारे यहाँ फॉरन एड इफेक्टिव क्यों नहीं है वाई इट इज़ इन इफेक्टिव सर थैंक यू वेरी मच अ वेरी इंटरेस्टिंग डिस्कशन डिबेट वेरी इंपॉर्टेंट इशूज हाईलाइटेड अबाउट लाइक इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट एज सिचुएशन मैं इस पे अपार्ट फ्राम फॉरन एड आई थिंक आईसो टॉक अबाउट एस आई एफ सी पे भी रिमार्क्स लेना चाहूँगा वेल आई थिंक पहले मैं अगर फॉरन uh, एड के हवाले से थोड़ी सी डिटेल आपसे ये शेयर करना चाहता हूँ कि फॉरन एड हम समझते हैं कि पता नहीं ये कितनी बड़ी फॉरन एड पाकिस्तान में आ रही है जिसका कोई इम्पैक्ट पाकिस्तान की इकॉनमी के ऊपर को पॉजिटिव होगा या उससे कोई रेवोल्यूशन आ जाएगा आई थिंक इसको थोड़ा सा अगर रियलाइज़ करें तो फॉरेन एड अगर हम आप अपनी जीडीपी के परस्पेक्टिव में देखें तो हमें मिलिट्री एड का तो पता नहीं कि वो कितनी आती है कि ना तो वो रिपोर्ट होती है कहीं हमें एक तो डेटा मिलता है जिसको हम ऑफिशियल डेवलपमेंट असटेंस कहते हैं जो प्राइमरली ओ कंट्रीज़ सारे कंट्री जो डोनर्स हैं उनका डेटा कलेक्ट करके तो वो बेसिकली इसलिए करते हैं कि वो एक टैक्स पेयर्स मनी है और वो बायलैटरल एड की फॉर्म में या मल्टी लेटरल एड की फॉर्म में क्योंकि वही पैसे जो हैं वो वर्ल्ड बैंक के पास जा रहे हैं वही एशियन डेवलपमेंट बैंक के पास जा रहे हैं वही आईएमएफ के पास जा रहे हैं क्योंकि सारे मेंबर्स हैं उनके कंट्रीब्यूशन हैं तो अगर हम ओवरऑल ये देखें कि पाकिस्तान में टोटल असिस्टेंस है कितनी तो मेरा पॉइंट सिर्फ ये है कि पहले तो लेटर के अभी क्या सिचुएशन है ये मैं बाद में आता हूँ ओवरऑल हमारे पास जो फॉरेन हेड है वो वन परसेंट ऑफ जीडीपी से हमेशा कम रही है अगर हम इसको देखें मैंने अभी कैलकुलेट किया कि पाकिस्तान में इस वक्त जो ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस जिसको हम कहते हैं अगर नेट टर्म में देखें कि जो हमने पैसे उनको वापस करने हैं इंटरेस्ट की फॉर्म में या प्रिंसिपल वो अगर निकाल के देखा जाए तो नेट टर्म में कितनी अमाउंट है तो वो तकरीबन तो पॉइंट वन परसेंट और पॉइंट टू परसेंट ऑफ जीडीपी बनता है ठीक सो दिस इज़ वेरी वेरी लो इनटेक बल्कि इससे भी कम अगर आप इसको और माइन्यूटली uh, अगर इसको देखें इन टर्म्स ऑफ एड अभी जो हमें असिस्टेंस मिल रही है आई ट्राई टू कैलकुलेट कि पिछले पाँच साल में हमें जो एड मिली है उसकी इस वक्त क्या पोजीशन है एक तो हम कहते हैं कि एड जब मिलेगी उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा किस तरह इम्पैक्ट होगा थोरेटिकली या उसका करंट अकाउंट पे ऊपर इम्पैक्ट होगा को लेट से ट्रेड सब्सिट्यूट होगी उधर से पैसे आ गए को ट्रेड बैलेंस आपका इम्प्रूव हो गया दिस इज़ और इट विल हेल्प या आपका कैपिटल या फाइनेंशियल अकाउंट में थोड़ी सी बेहतरी आ गई कि आपकी जब उधर से पैसे आएंगे तो एकदम आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो एक एक बेहतरी आती है मगर उसका नेगेटिव साइड ये है कि जब आपके पास कोई भी इनफ्लो फॉरेन एड के आते हैं तो उसके साथ आपकी नेचुरली एक डेट सर्विसिंग की लाइबिलिटी वो एक बन जाती है और जितनी एड आती जाती है वो डेट सर्विसिंग आपकी बढ़ती जाती है अच्छा हैविंग सेड दैट अगर हम अभी असेस करें तो पहले मैं डॉक्टर अशफाक ने कभी बात की मैं उसको भी थोड़ा सा परस्पेक्टिव में लाना चाह रहा हूँ डॉक्टर अशफाक ने कहा कि दो हज़ार चार में हमने नई अपनी एक ऐसा पॉलिसी बनाई कि उससे एकदम ग्रोथ रेट चार छः सात परसेंट आठ परसेंट में चले गए सेवन टू तो एट परसेंट हमने टच किया और पूरे शायद रीजन में हमारी सबसे बेहतर ग्रोथ रेट थी बड़ा प्रोजेक्ट हुआ इकोनॉमिक सर्वे अखबारों में भी आया कि बड़ी जनाब हमने बड़ी तरक्की की है फैक्ट क्या है फैक्ट ये है कि पाकिस्तान में जो फॉरेन एड है इट इज़ प्राइमरीली पॉलिटिकली ओरिएंटेड और स्ट्रेटजिकली ओरिएंटेड जब हम अमेरिका के करीब होते हैं तो हमें फॉरेन एड मिलनी शुरू हो जाती जिस तरह मुशर्रफ के ज़माने में हुआ 2004 के बाद एकदम 2003 के बाद ये मैं एक नंबर पढ़ रहा था कहीं कि पूरे दुनिया में शायद इतनी तेज़ी से जो पहले प्रपोर्शन थी उसमें इतने परसेंट अजाफ़ा नहीं हुआ जितना पाकिस्तान अफग़ानिस्तान और ये दो कंट्रीज़ में और साथ इराक ये तीन कंट्रीज़ में जो नाइन और उसके बाद जो चेंज आई उसमें सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस पाकिस्तान में हुई इसी तरह अगर आप नाइनटीन में देखें जब हमने अफ़गान जहाज शुरू किया तो उस टाइम पे भी हमारे पास फॉरेन एड अमेरिका की तरफ से एकदम जो खजाने उनके मुंह खुल गए और पैसे आने शुरू हुए नैचुरली उससे क्या होगा उससे वही होगा जो इशफाक ने बताया कि हमारे पास एकदम कैपिटल अकाउंट में एकदम पैसे आते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारी बेहतर हो जाती है वो पैसे यहाँ पे कहीं ना कहीं खर्च होते हैं जब भी इस तरह की एड आती है तो ये एक तरह की डिमांड साइड लेट से डिमांड शिफ्ट करती है जिससे हमेशा उसके साथ अगर आप देखें तो इन्फ्लेशन जो है वो फ़ौर बढ़ता है इस तरह की जो एड है जो पोलिटिकली औरटेड या स्ट्रेटिकली औरटेड एड होती है वो आप जिधर मर्जी यूज़ कर लें उसका कोई इतना पीछे से उसकी को पूछता भी कोई नहीं है तो पॉइंट मेरा यह है कि जब भी हमारे पास एड आई एक तो पॉइंट ये है कि हमारे पास एड बहुत कम आती है ओवर टाइम पहले ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस होती थी और जो एन और प्राइवेट सेक्टर की एड थी उसका कॉम्पोनेंट बहुत कम था अगर आप पिछले बीस साल में देखें तो जो कंपोनेंट आपकी एन और जो प्राइवेट सेक्टर जो जो लेट्स से फाउंडेशन हैं जिस तरह ये बिल गेट्स और मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन है तो ये एक तरह के वेलफेयर के काम करने के लिए या आपकी जो फेथ बेस्ड जो ऑर्गेनाइजेशन हैं जो यहाँ पे मुख्तलिफ ऑब्जेक्टिव्स के लिए काम कर रही प्राइमरली एक कंसिस्टेंट एक सस्टेंड एड अगर आ रही है तो वो सिर्फ़ वो आ रही है सी जिसको हम एक तरह की ह्यूमैनिटेरियन एड आप कह सकते हैं अच्छा अब असल जो एड जिसको हम कहते हैं जिसकी वजह से कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट होना उससे बड़े सवाल पैदा होते हैं कि हमें एड चाहिए क्यों वाई वी आर लुकिंग एट एड उसका कोई इम्पैक्ट होता है जितनी अभी तक स्टडी है कल आई थिंक जो मेरा जो लेक्चर है उसमें आई जस्ट टॉक अबाउट दैट इन मोर डिटेल इसका अगर कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है तो वो इतना कम है कि उससे बहुत बड़े बड़े फैक्टर और हैं जिससे उसके ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है So its impact is very, very low, which actually takes place in several years, not in just one year. So practically, the impact of is a fraction, of I think 0.1% below fraction, which could be 0 0.02, 0 0.01, 0 0.03. It varies from one country to the other, depending upon the factors which Keshav uh, pointed out. जिसका तल्लक है आपकी मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के साथ जिसका तल्लक है आपकी बाकी बहुत सी चीज़ों के साथ माय पॉइंट इज इस वक्त जो हमारे पास एड आ रही है ये डेवलपमेंट परपजस के लिए नहीं दिस इज़ नॉट एन इकनॉमिक एड ये जो एड है ये सिर्फ बैलेंस ऑफ पेमेंट सपोर्ट की एड है अगर आप अपनी इस वक्त एड देख लें जो ह्यूमानिटेरियन एड के अलावा जितनी एड है वो मोस्टली वो है आपकी बैलेंस ऑफ पेमेंट सपोर्ट जिसका कोई तल्लक नहीं है कि आपकी ग्रोथ होगी या नहीं होगी किसी की वेलफेयर होगी या नहीं होगी पिछले लोन लिए हुए उनको रिपरिपे करने के लिए हम सिर्फ अपनी एक एक जो है फेस सेविंग के लिए ताकि डिफ़ॉल्ट ना हो आई कैलकुलेटेड ये स्टेट uh, बैंक की जो जो रिपोर्ट uh, है उससे मैंने ये कैलकुलेट किया कि इस वक्त पिछले पाँच साल में जितने एड इनफ्लो हैं तकरीबन 8.9 बिलियन डॉलर्स जो हैं वो सिर्फ बैलेंस ऑफ पेमेंट सपोर्ट के लिए हैं अगर आप टोटल अगर आप देख लें टोटल वेरी करते हैं कभी 13 बिलियन कभी 11, कभी 8, तो इससे तकरीबन इस रेंज में ओवरऑल ये आपके हैं तो मेरा एक तो पॉइंट ये है कि एड से आप ये ना समझें कि इससे कोई चेंज आएगी आई थिंक दिस इज़ एक तो ये है कि दुनिया में एड अब उस तरह एड जो है वो नहीं दी जा रही जिस तरह पहले थी ना फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट उस तरह हो रही हमने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात की फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो मैं अक्सर आई थिंक आई आई टॉक अबाउट इट कि अमेरिका में जो कॉरपोरेट टैक्स हैं वो तकरीबन थर्टी एट परसेंट फोर्टी के करीब हैं तो उस वजह से अमेरिका की जो जितनी Uh, ये जो बड़ी बड़ी कंपनी फेसबुक और ये यूट्यूब और सारे इन्होंने अपने ऑफिसज़ हेड ऑफिस जो हैं वो आयरलैंड में बनाए हुए हैं अब आयरलैंड में क्यों बनाए हुए हैं क्योंकि वहाँ पे जो टैक्स रेट है वो 15 परसेंट है सी और अमेरिका में जो टैक्स रेट है कॉरपोरेट टैक्स रेट दैट थर्टी एट परसेंट सो नेचुरली इट्स इन देयर एडवांटेज कि वो वहाँ से शिफ्ट होकर किसी और कंट्री में चले जाएं पाकिस्तान में अगर आप कंपेयर करें तो पाकिस्तान के जो टैक्स रेट्स हैं रिलेटिवली वो लेट से श्रीलंका की नस्बत आवर टैक्स रेट्स आर हायर रीजनल कंट्रीज़ में आवर टैक्स रेट्स आर हायर नेचुरली एक तो ये रीज़न है कि जो फॉरेन फर्म्स हैं वो अपार्ट फ्रॉम अदर थिंग जो आई थिंक अशफाक ने बड़ी डिटेल के साथ उन चीज़ों का जिक्र किया तो जो एड की हम अगर वापस अगर बात करें तो जो आ, जो डोनर हैं प्राइमरली वो अपने पर्सपेक्टिव से ये देखते हैं कि अगर हम किसी कंट्री में जा रहे हैं तो उसका कोई ग्रोथ के ऊपर इम्पैक्ट होगा तो उसके लिए कौन कौन से डिटर्मिनेंट्स हैं अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान ने आज तक डिस्पाइट हमारे हंड्रेड्स ऑफ बिलियन डॉलर ऑफ एड के एक भी स्टडी ये कमीशन करके ये नहीं की जिससे ये असेस किया जाए कि ये जो हमने एड ली थी तो इसका कोई इम्पेक्ट हुआ है या नहीं हुआ पॉजिटिव इम्पैक्ट या नेगेटिव इम्पैक्ट आज तक कभी एक स्टडी इस तरह की नहीं अगर कुछ स्टडी हुई है तो वो डोनर ने ख़ुद की है फॉर एग्जांपल यू एस एड अगर 10 साल के लिए पाकिस्तान आया उन्होंने ये देखने के लिए कि उनकी एड का पाकिस्तान में उनके पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पैक्ट हुआ है या नहीं हुआ तो आई थिंक एक और यह भी एक पॉइंट है कि जो एड इतनी लाइक like, छोटी छोटी चीज़ों का ऑडिट होता है जो फ़ारेन एड है इसका कोई ऑडिट नहीं है कोई असेसमेंट नहीं है आज तक हमें यही नहीं पता कि मुख्तलिफ तरह की जो एड आती रही है आ, उसका मतलब जो ऑब्जेक्टिव था वो क्या था और क्या हमने वो ऑब्जेक्टिव पूरा किया है या नहीं किया सर मैम आई रनिंग आउट ऑफ टाइम श्योर मैं चाह रहा हूँ कि हम कुछ क्वेश्चन भी ले लें लास्ट फिफ्टीन मिनट्स हैं आई विश आई है टाइम और हम एक राउंड दोबारा कर लेते बट अब हम जरा क्वेश्चन आंसर्स की तरफ चले जाते हैं जी दीजिएगा uh, माइक थैंक यू वेरी मच कैन यूर मी आ रही अच्छा आई थिंक एस आई एफ सी की बात हो सो सो आई वु कमेंट ऑन एस आई एफ सी एंड ब्रीफली क्वेश्चन भी जी, है जी, उसमें एस आई एफ सी का जो रोल है वो इट इज लिमिटेडिंग दायरेक्ट इन्वेस्टमेंट उस परव नो फोकस ऑन डोमेस्टिक Domestic investors क्या कर रहे हैं? कैपिटल फ्लाइट ऑफ अबाउट टेन बिलियन यू एस डॉलर ओवर दी पास हाफ ईयर वो उसका दायरा बढ़ा रहे हैं हा? तो वो शायद वो शायद भी आ जाए। आ जाए। तो तरफ आ और फिर SIFC किन एरियाज में ला रही है वो सस्टेनेबल नहीं है यानी एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट आ रहे इस पे कुछ आप एग्रीकल्चर है और ऑयल है ऑयल एंड गैस है इन एरियाज में तो इस पे कैन यू शेड लाइट ऑन इट पहली चीज़ तो जी बात इकानमिक्स को कुछ नहीं पता इन्वेस्ट कहाँ करना है फ्रीडमन हमें शिकागो में पढ़ाता था कि अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी आती है तो जाके पैसे बनाए हमें बातें ना करें तो हमें पहली चीज़ तो इन्वेस्टमेंट का कुछ नहीं पता एफ आई वज जैसे कहते न एफ आई विज सो स्मार्ट आईट बी रिच बट आई एम नॉट बात बड़ी सिंपल है ये जो हमने टाइटल रखा था वो इसलिए रखा था, था कि एड जो है एड सिर्फ यही नहीं कि पैसे आती है और एड एक मिसन है बिकॉज एड कोई आती नहीं सारी है और लैंडिंग वर्ल्ड बैंक वगैरह जो करते हैं आपके सामने था कि वो कल आके अपना एजेंडा बेच के चले गए सुनने के लिए नहीं बैठते वो हुक्मरान है तो हुक्मरानों की आप बात पहले करें ना कि हुक्मरान सिर्फ पैसे नहीं देने आते वो हमारी पॉलिसी कंट्रोल करते हैं जितनी लॉज हैं पी एफ एम लॉ होगी फलानी लॉ होगी सब उन्होंने बनवाई हैं सब उन्होंने किया एफ ए टी एफ उन्होंने हमारे सर पर मुसलत किया उन्होंने हमारे फाइनेंशियल मार्केट्स का बिड़ागर किया तो पहले तो ये सोचना कि इट्स नॉट जस्ट एड इसके साथ लिखना चाहिए था एड टेक्निकल असिस्टेंस एंड पॉलिसी एडवाइस और वो लोग इस वक्त एक एजेंडा लिए फिर है वर्ल्ड बैंक ये रिफॉर्म आप करें हम नहीं हमारी बात नहीं सुनते वो अपनी बात बता रहे हैं तो ये भी गौर करें ना इट्स नॉट जस्ट दूसरी चीज़ है कि डेट क्या है उनकी पॉलिसी के अंदर डेट लिखा होता है हमें डेट लेना पड़ता है अब जो ये सिंपल सी बात है और हम इतने बेवकूफ़ हैं हमारे इकोनॉमिस्ट इतने बेवकूफ़ हैं कि वी वॉन्ट टू फिक्स आर एक्सचेंज रेट जी बिल्कुल ज़रूर फिक्स कर लें एक्सचेंज रेट एक्सचेंज रेट वो फिक्स करता है जिसके पास घर में दाने हो जो दाने नहीं वो एक्सचेंज रेट नहीं फिक्स कर सकता तो आप जो पैसे ले रहे हैं सिर्फ एक्सचेंज रेट को मेंटेन करने के लिए रहे हैं। या आपने शुरू किया हुआ है वे बैक फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग जो आपका सारा था वो युब के ज़माने में क्या था उसको कहते थे बोनस वाउचर वो यही था कि आपने एक्सचेंज रेट फिक्स करने की कोशिश उस वक्त से आप पाँच रुपए से लेके आज साढ़े तीन सौ रुपये पहुँच करें इन शह पाँच रुपये भी पहुँचेंगे बिकॉज हमें खुद समझ नहीं आ रही हम क्या करना चाहते हैं दूसरी चीज़ एस आई एफ सी एस आई एफ सी इज़ अ जोक ये क्रिकेट ग्राउंड टूट गया है क्रिकेट के रूल्स ख़त्म हो गए एम्पायर है नहीं लोग एक दूसरे लड़ रहे हैं और आप एस बना रहे हैं बैठ के वो आई ऊपर बैठ के कह रही हाँ जी मैं मैं, मैं क्रिकेट की गेम करवा दूंगा ग्राउंड तो टूट गया है टीमें भी मर गई हैं खा रही हैं एक दूसरे को लड़ रही हैं तो मैं कराऊंगा यार खुदा के वास्ते ऐसा तो नहीं होता क्रिकेट खेलने लोग आते हैं जब ग्राउंड अच्छा हो जब रूल्स क्लियर हो जब क्लैरिटी हो क्लैरिटी है नहीं तो आप एस आई सी बना देंगे तो आई थिंक क्वाइट फ्रेंकली कमेंट ऑन दिस कि जी इन्वेस्टमेंट जो आपने बातें की बिल्कुल ठीक है असल प्रॉब्लम हमारा जो है सिंपल बात है जो कल स्टर्ट से भी बात पूछी जो नहीं जवाब दे सका प्रिंसिपल अकाउंटिंग अफसर कौन है साहब प्रिंसिपल अकाउंटिंग अफसर कौन था सेक्रेटरी तो डेट ऑफिस क्या है प्लानिंग कमीशन क्या है हर चीज प्रिंसिपल अकाउंटिंग अफसर है भाई तो वो सेक्रेटरी साहब तो अकाउंटेबल होते नहीं है जब भाग जाते हैं सेक्रेटरी साहब खत्म हो जाती बात वो चले गए पीछे डेट छोड़ गए खत्म हो गई बात तो लेट्स गेट डाउन टू द ब्रास टैक्स कि द बेरोक्रेसी कंट्रोल्स एवरीथिंग एंड दे डोंट इन्वेस्टमेंट एस आई एफ सी कैन डू नथिंग थैंक यू अच्छा इसी पे पहले हम जरा सर पीछे एक स्टूडेंट्स के ले लें पीछे वो असलकुम माय नेम मैं पी एच डी स्कॉलर हूँ बी जू से इकनॉमिक्स डिपार्टमेंट से तो मेरा क्वेश्चन सर से ही है इशवाक साहब से कि सर ने बात की कि इन्वेस्टमेंट और पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी तो क्या मतलब हमारा मेन इशू इन्वेस्ट uh, हम तो कहते हैं कि इकोनॉमिक्स में इन्वेस्टमेंट होगी तो सब कुछ होगा मतलब एक सर्कल चलेगा तो क्या हमारा मेन इशू पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है क्या हमें मेनली जो है वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी पे फोकस करना चाहिए और इसके साथ मेरा ये क्वेश्चन है कि जो दूसरा है कि आपने कहा कि इंडिया की जो ग्रोथ है वो मतलब हम लोगों से ज़्यादा है तो क्या वो उनका स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप आई के साथ है या फिर उनके लॉस इतने स्ट्रॉज हैं कि वो मीन्स के उनकी ग्रोथ ज़्यादा हो रही है दूसरा मेरा ये क्वेश्चन है <laughs> और तीसरा ये है कि जैसे आपने कहा कि फ़ौर मतलब बाहर के लोग यहाँ के क्यों इन्वेस्ट करें हेरासमेंट का उतर हरासमेंट तो, तो यहाँ पे भी है नॉर्मली अगर हम बुरका पहने तो सबसे ज़्यादा हरेसमेंट तो हमें ही होती है दूसरी बात ये कि मैं जब जीपी में गई हूँ पिछले दिनों में ही तो वहाँ पे मैंने देखा कि दामिर पाशा डैम जो है वो

तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी पे करना चाहिए मतलब ये मेरा टॉपिक से है क्या जैसे हमें बस वो आपके प्रे... पहले क्वेश्चन से रिलेटेड है थैंक यू अच्छा बरकी साहब पहले मैं आपसे स्टार्ट करूंगा आप जरा वो टेक ओवर दिस टेक्निकल असिस्टेंस रिमार्क्स रेज्ड बाय डॉक्टर नदीम कि जो एड आ रही है उसमें तो टेक्निकल असिस्टेंस भी शामिल है वेल आई थिंक जो uh, नदीम साहब ने बिल्कुल सही बात की वर्ल्ड बैंक टिपिकली जब आता है तो वो पहले एक स्टडी करता है या आपको इन्वॉल्व करके एक स्टडी करवा लेता है उस स्टडी में उनका जो एजेंडा होता है कि अल्टीमेटली उन्होंने आपको एक लोन बेचना होता है फॉर एग्ज़ाम्पल 2018 में वर्ल्ड बैंक ने एक स्टडी की कि पाकिस्तान में रूरल एरियाज़ में जो वाटर क्वालिटी है दैट्स वेरी वेरी पुअर और सैनिटेशन कंडीशन की वजह से जो स्टंटिंग रेट्स हैं बच्चों में वो प्राइमरली उसकी वजह से हो रहे हैं पहले वो स्टडी की गई फिर उसके इर्द गिर्द खूब ढोल बजाया गया उसके बाद उन्होंने गवर्नमेंट को अप्रोच किया कि जनाब ये आपका तो बहुत बड़ा मसला है स्टंटिंग का तो आपको अगर आप कहें तो हम आपको इतने बिलियन रुपीज़ का लोन दे देते हैं सर मैं आपको ऐड करता जाऊं एक उन्होंने हमें एक और भी मसले में इंगेज किया था वो के हाउसिंग शार्टेज टेन मिलियन की हाउसिंग शार्टेज है डॉक्टर नेयाब ने उसमें बहुत ज़्यादा काम किया एंड वही प्रोड्यूस अ काउंटर आर्गूमेंट कि काउंटर एविडेंस के, के हाँ। नहीं ये आप गलत कह रहे हैं और हाँ। तो उसका वो काउंटर नहीं कर पा रहे हैं उसका अभी ये है कि पंजाब गवर्नमेंट ने वो बेट जो है वो चुग लिया है और आजकल वो प्रोसेस शुरू है जो 2018 में स्टडी हुई थी उसकी आजकल फील्ड में जाके पहले विलिंगनेस टू पे स्टडीज़ हुई हैं और सारी फैसिलिटीज़ पायलट बेस पे शुरू हो गई दिस इज़ वन एग्जांपल इसी तरह ये वर्ल्ड बैंक ने अभी एक और स्टडी की है जो लॉन्च की है जिसका नाम है स्विमिंग इन द सैंड और समथिंग आई वाज आल्सो पार्ट ऑफ इट एक दो पेपर्स मैंने भी लिखे हैं उसमें क्या है कि अगेन एक ग्राउंड बनाई गई है कि पाकिस्तान में प्रोडक्टिविटी बड़ी लो है और वो एग्रीकल्चर में भी है वो इंडस्ट्री में भी है वो आपकी ह्यूमन कैपिटल के भी इश्यूज हैं वो सारे अब आई थिंक कल भी वो सेशन एक था जो उसी के अराउंड था उससे पहले लाहौर में भी सेशन हो चुके हैं इस्लामाबाद में भी थे आई आवेद पैनल पे था वहाँ पे उनके अब ये एक दिस इज आई थिंक टिपिकली दिस इज इट इज़ डन जो जो नदीम साहब ने अभी पॉइंट आउट किया कि पहले एक टेक्निकल स्टडी की जाती है खा गवर्नमेंट करवाती है या उनको प्रॉम्प्ट करते हैं या खुद करते हैं उसमें हमारी तरह के इकोनॉमिस्ट को इन्वॉल्व करके एक रिपोर्ट बनाई जाती है उसमें चंद इनके अपने लोग होते हैं फिर उसको वो मोल्ड करते हैं उसकी लाइट में जो वो चाह रहे होते हैं फिर वो गवर्नमेंट के पास ले कर जाते हैं कि जनाब ये देखें इतना बड़ा मसला हो गया अगर आप चाहें तो हम आपको इतना लोन देने के लिए तैयार तो दिस इज़ आई थिंक ए टिपिकल मैंने दो कम अज़ कम ऐसे इंस्टेंसिस पर्सनली हैं जिसमें आई है। तो अच्छा है। <laughs> मैं आपकी तरफ आता हूँ आप अगर <laughs> <laughs> इशफाक साहब आप अगर मैं दो तीन चीजें नोट की हुई है की एस आई एफ सी के हवाले से एस आई एफ सी की काफी बात हुई है

कि इंटरनेशनल इन्वेस्टर उस वक्त तक नहीं आएगा जब तक लोकल इन्वेस्टर नहीं आएगा अगर हम इस बात पे बिलीव करते हैं जो कि हम सब करते हैं तो ये मेरी बात आप मान लीजिए जान लीजिए कि एस आई एफ सी इंटरनेशनल इन्वेस्टर को तो किसी तौर सेटिस्फाई कर सकती है लोकल इन्वेस्टर को नहीं कर सकती अगर लोक फिर यही वो सर्कल है अगर लोकल इन्वेस्टर को नहीं कर सकती तो लोक इंटरनेशनल इन्वेस्टर ने फिर लोकल इन्वेस्टर को देख ल तो मैं इसकी बॉटम लाइन नहीं बोलना चाहता हूं दिस इज वट आई थिंक वट इज दट इज ये बड़ा एकेडमिक वर्ड है मुझे समझ नहीं आया इसमें अभी इश्फाक साहब ने सोल्यूशन क्या है मैडम मैडम अभी मैडम लेट लेट मी मी अभी साहब ने वही टेन कमांडमेंट्स पे यही तो बात की है इंडस्ट्री uh, पता नहीं इसकी बाकी ब्यूरोक्रेटिक इंप्लीमेंटेशन है या नहीं है जिस तरह आपकी कौमी सलामती कमेटी है जिस तरह आपके नेशनल इशूज अपनी जगह सॉलिड खड़े हुए हैं उसी तरह आपकी इकोनॉमिक पॉलिसी भी होनी चाहिए जब तक आप बींग कंट्री वन इकोनॉमिक पॉलिसी इंडस्ट्रियल पॉलिसी नहीं फॉर्म कर लेंगे टू सेटिस्फाई योर लोकल इन्वेस्टर फॉर हेवन सेक नॉट योर इंटरनेशनल इन्वेस्टर द क्वेश्चन इज इट बिकॉज विल बेल द कैट आई थिंक यू हैव फॉर दिस दो तीन चीजें हैं एक तो बिल्कुल ये सबको पता चल गया होगा यहाँ पर कि इन्वेस्टमेंट के लिए इन्वेस्टमेंट का एनवायरनमेंट होना बहुत जरूरी है और जब इन्वायरमेंट की बात करते हैं तो उसमें बहुत सारे ह्यूमन कैपिटल भी आ जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर भी आ जाता है ब्यूरोक्रेटिकल भी आ जाते हैं बहुत सारी चीजें आ जाती हैं इन्वायरमेंट लेकिन हमने अभी तक डिस्कस नहीं किया है जो मैं एज ए स्पोक्स पर्सन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान फॉर इलेवन ईयर्स जो करता रहा हूं रोल ऑफ मीडिया मीडिया सुबह दोपहर शाम अगर हौलना खबरें दिखाता रहेगा तो आप समझते हैं कि लोकल तो क्या बाहर वाले आएंगे वहां पर दूसरी चीज है आपका न्यूज़पेपर का हेडलाइन कितनी कवरेज मिलती है इकोनॉमिक्स को या इन्वेस्टमेंट को हमारे न्यूज़पेपर में आपको सवाए के वो लड़की उसके साथ भाग गई है उधर कत्ल हो गया है इसके अलावा आपको कुछ मिलता है या फ़ला गिरफ्तार हो गया है या फ़ला बाहर से अंदर से बाहर आया और फिर बाहर फिर पकड़ा गया इसके अलावा कुछ मिलता है तो इस किस्म के जो इन्वायरमेंट है इसमें मीडिया का बहुत बड़ा रोल है जो हमने कभी उसकी तरफ नहीं दी है उनको हमेशा ब्रीफ करता था एक ये भी बता दू कि मीडिया वाले इतने खराब लोग नहीं है उनको आप इंफॉर्मेशन दें लिख कर दें वो छाप देंगे जाकर अगर आप उनसे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आपने तकरीर कर दी यहां पर और वो आपकी खबर अच्छी बना के दे देंगे नहीं होगा आपने प्रेस रिलीज उनको बना के देना है वो उसमें से लेके अपना डाल देंगे वो काम नहीं करना चाहेंगे आप बना बनाकर दे दें वो छाप देंगे बिल्कुल तो ये काम करना पड़ता था आजकल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का कोई स्पोक्स पर्सन नहीं सिवाय फॉरन ऑफिस के ठीक है तो ये बहुत जरूरी है कम्युनिकेशन विथ द इन्वेस्टर्स दूसरी चीज ये है कि एस आई सी पर मैं अभी बताऊँगा मेरा अपना एक व्यू है एस आई एफ सी पे लेकिन एक चीज़ मैं बहुत आबी आबिद अमान बरकी साहब ने जिक्र किया कि नाइन एलेवन के बाद बहुत पैसा पाकिस्तान में आया आप यकीन करें जब मैं डेट ऑफिस में था मैं यही तलाश करता रहा कि कहाँ पैसा आया है क्योंकि मैं मेरे सामने सारे रजिस्टर मौजूद थे नी डी का भी देख रहा था मैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को भी देख रहा था या उसको भी देख रहा था क्या कहते हैं स्टेट बैंक का भी मुझे तो कहीं नज़र नहीं आया कि कोई एक्स्ट्रा ऑर्डनरी फ्लो आ गया है मैं जो बात कर रहा था 5.5 बिलियन डॉलर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट था और तीन बिलियन डॉलर के करीब ये बॉन्ड और इसके इसके ज़रिए से आए थे तो ये एट एंड हाफ बिलियन डॉलर पूरा फॉरेन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जिसको कहते हैं ये 2006-2007 में था ये गवर्नर अख्तर आज मौजूद है फाइनेंस मिनिस्टर आप कॉल करें उठा उठा यार कि <laughs> करेंट <के शी, laughs> अब पैसे मत लाओ डॉलर अब इज इट इज बिकमिंग वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू रन माई मॉनिटरी पॉलिसी एक डॉलर आएगा उसको इक्वरेंट आपको रुपया आपको देना पड़ता है ठीक है तो मनी सप्लाई बहुत बढ़ रहा है तो एक वो दौर था कि जब आ रहा था तो स्टेट बैंक का गवर्नर कह रहा कि ना लाओ अब ठीक है ये मौजूद है ये आपको आप बता देंगे आपको तो मेरे कहने का मतलब ये है कि पोस्ट नाइन इलेवन में जो पैसा अमेरिका से आया था वो क्वालिशन सपोर्ट फंड का था ये मैं इसलिए बताना चाहता हूं ये बहुत सारे यंग बच्चे बैठे हुए हैं ताकि इनकी एजुकेशन हो जाए एक पर्पस यहाँ आने का एक स्कूल में यह भी है कि इन बच्चों को एजुकेट भी करना है ये क्वालिशन सपोर्ट फंड था एंड आई यूज टू डील इन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस कोलिशन सपोर्ट फंड क्या था यह हम खर्च करते थे यह उसकी री एम्बर्समेंट थी आप सब दौरे पे जाते हैं जाके खर्च तो कर देते हैं उसके बाद आके यूनिवर्सिटी से आप अपना बिल देते हैं कि री हो जाए तो क्या जो री हुई है उसको आप समझेंगे कि यूनिवर्सिटी ने आपको पैसे दिए हैं या आपका अपना पैसा था जो आपने खर्च किया उन्होंने री किया था आपको वो हमें री दिया करते थे उनका कोई एड नहीं था ये और ये बात जो मैं आपसे कह रहा हूँ ये मैंने अमेरिकन एम्बेसी में, में प्रेजेंटेशन में दी एंड एवरीबडी जस्ट के मुझे कहा कि आपने ये बात यहाँ क्यों कर दी मैंने कहा यार आप लोगों ने हर शख्स वो तो कहता वो वी गेव बिलियंस एंड बिलियंस डॉलर टू पाकिस्तान एंड एंड दे डोंट सपोर्ट अस वो बिलियंस बिलियंस कौन सा था ये कॉलिशन सपोर्ट फंड था दिस वाज री एम्बर्समेंट उनके खाते में भी लिखा हुआ कि दिस इज नॉट एड दिस इज री एम्बर्समेंट तो वही री एम्बर्समेंट जो है वो एड नहीं था किसी का ये क्लैरिफाई मैं करना चाहता था एस आई के तुस्तार लिए तुस्तार है कुछ टाइम। नहीं सर वो ऑलरेडी पैनल चलो ठीक है ठीक वेल थैंक यू सो मच माय पैनल थैंक यू मैं एक आधी चीज ऐड कर दूं आप इजाजत दें जी 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 सर प्लीज

हम सबको आइडिया है खुदारा सुबह सारे ये कानून जो है खत्म कर दे और और ये आप कहें कि जनाब जो ये समझते हैं कि इस चीज़ की रेगुलेशन की जरूरत है वो आए और प्रेजेंट करें फॉर द नीड फॉर दैट रेगुलेशन बड़े कम एरियाज होंगे जहां पर मैपिंग की जरूरत है मेजॉरिटी के के केस में आप फैसला कर लें कि ऑल दीज रेगुलेटरी लॉज स्टैंड और जो कहता है कि यार ये लॉ होना चाहिए आए और हमें 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 हम हम, हम हमें एक्चुअली प्रेजेंटेशन दे और एक्चुअली कन्विंस अस कि दीज आर रिक्वायर्ड यू विल फाइंड द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ दीज लॉज विल नॉट बी रिक्वायर्ड ये कानून ये जो ना शक्के देखने वाली कहानी नहीं है ये करते रहेंगे तो सारी उम्र इसी में फंसे रहेंगे एग्रीड सर दिस इज आवर दिस इज बिल्कुल एग्रीड कादर साहब दिस इज़ आर ड्रीम आई होप कि ये हो जाए एंड थैंक यू आल नो आई वुड लाइक टू इनवाइट आसम सईद साहब टू टेक ओवर फॉर द नेक्स्ट पैनल डिस्कशन